कलिंगा कला केंद्र ट्रस्टतर्फे पुण्यात राजा परब महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. याला ओडिशा, बंगाल आणि महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांचा उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळाला. महिलांच्या मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा आदर आणि सुधारणा करण्याच्या सामाजिक प्रथेला प्रोत्साहन देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. महिलांचा सन्मान करण्यासाठी आणि शेतीच्या क्षेत्रात समृद्धी आणण्यासाठी हा कार्यक्रम साजरा केला जातो. ओडिशा राज्यात राजा परबाचं सांस्कृतिक महत्व खूप आहे, कारण ते पृथ्वी मातेच्या मासिक पाळीचे प्रतीक आहेत. विश्वाचा आदर करण्यासाठी आणि समाजातील वंचित महिलांना एकत्रित करण्यासाठी कलिंगा कला केंद्र ट्रस्टच्या संस्थापक अध्यक्ष डॉ ममता मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली या ट्रस्ट आयोजकांनी हा कार्यक्रम एका सेवाभावी कार्यासाठी समर्पित केला. तसेच या कार्यक्रमातून मिळणारे पैसे पुरेशा साधनांचा अभाव असलेल्या उपेक्षित महिलांसाठी मासिक पाळीची स्वच्छता सुधारण्यासाठी वापरला जाणार आहे. या कार्यक्रमादरम्यान सुप्रसिद्ध ओडिया शास्त्रीय गायिका आनंदिता दास यांनी भुवनेश्वरहून प्रवास करून रसिकांना गाण्याच्या सादरीकरणाने मंत्रमुग्ध केले. नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मिश्रा हूँ. मैं प्रेसिडेंट कलिंगा कला केंद्र ट्रस्ट से हूँ और ये जो हम लोग राजा पर्व 2023 जो इस बार हम मना रहे हैं, उसका कारण ये है कि हम लोग जो उड़ीसा में चार दिन का नारी के बारे में जो उनको सम्मान किया जाता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं रजस वाला, राजा मतलब रजस वाला से आया है, उस राजा को, राजा मतलब चार दिन का जो मासिक जो है वो एक्चुअली पुरुष लोग को जानना है, बाहर के लोगों को जानने के लिए किस तरह से लड़कियों को हम उनको सम्मान देते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर धरती माता के ऊपर पहला बूंद का बारिश गिरता है जिसके वजह से वो जो गीला हो जाता है, फिर वो गीला होने की वजह से हम उनके वहाँ पर कोई भी कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग ये सब कुछ नहीं करते, क्योंकि फर्टिलिटी बोलते पीरियड ऑफ मदर अर्थ, हमारी माता जो है माँ विष्णु, माँ लक्ष्मी विष्णु की जो पत्नी है उनका सम्मान किया जाता है. और वो तो हम नारी लड़कियों के माध्यम से हम सम्मान करते हैं उनको, रौजा पान, जो पान होता है मीठा पान होता है खिलाते हैं, तरह तरह के उड़ीसा के जो व्यंजन है, पोड़ो पीठा एक प्रकार का बेक्ड केक है वो खिलाते हैं, फिर ऐसे नरिश जो अच्छा अच्छा जो अपने पेट को अच्छा रखे, पान भी ठंडा रखता है पेट को, वो इसके लिए बनाया जाता है. और चार दिन, एक पहला दिन है मतलब पहला रजा, पहली रजा बोलते हैं, सेकेंड दिन है मिथुन संक्रांति, थर्ड दिन से सर रजा एंड फोर्थ दिन बासुमती स्नान है जिसमें हल्दी पानी से स्नान किया जाता है और माता को और लड़कियों को भी सम्मान से. ये जो मैं बैठी हुई अब ये रजा झूला है, इसमें रजा झूला में बैठ के हम लोग सब लड़कियों को बहुत आनंद देते हैं और इस तरह से मौज और अच्छे से सुंदर मतलब सज धज के खुशी मनाते हैं. और इसी को हम पूना में इसको प्रचार करना चाहते हैं, उड़ीसा का कल्चर, एक्सचेंज ऑफ कल्चर के हम काम कर रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है. या व्यतिरिक्त संपूर्ण भारतातील प्रतिभावान नर्तकांनी ओडिसी, कथक, गौंडिया, संबलपुरी नृत्यांवर त्यांचे सादरीकरण केले आणि उत्सवात उत्साही रंग भरले. स्त्रीत्वाची भावना अधोरेखित करण्यासाठी महिलांची कृपा आणि आत्मविश्वास दर्शविणारा रॅम्प वॉक आयोजित करण्यात आला होता आणि विजेत्यांना राजाराणी म्हणून मुकुट देण्यात आले. हा सांस्कृतिक उत्सव सामाजिक उपक्रमांचा एक परिपूर्ण मिलाफ ठरला, जो महिलांचा सन्मान, जतन आणि उन्नतीसाठी बांधिलकी दर्शवतो. तसेच कलिंग कला केंद्र ट्रस्ट समाज सुधारणेसाठी अशा सामाजिक गोष्टींना चालना देण्याचा नेहमीच प्रयत्न करत असतो. ओडिशा आणि महाराष्ट्र यांच्यातील सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि संपूर्ण भारतातील कला तसेच सांस्कृतिक संवर्धनात नेहमीच सहभागी होईल. मैं संगीता मिश्र, व्हाइस प्रेसिडेंट ऑफ कलिंग कला केंद्र. हमारा जो ट्रस्ट बना हुआ है, हमारा एम है सब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, हमारा मोटो ये है. और हम लोग हमारा ओडिशा का कल्चर को इधर सब जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसके बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में सब जानने के लिए हम इधर प्रोग्राम कर रहे हैं सब फेस्टिवल्स के माध्यम में. हमारा ओडिशा का जो जो फेस्टिवल है, हमारा ओडिशा का जगन्नाथ तो है, मेन है, उनको माध्यम से हम सारे प्रोग्राम जो होता है ओडिशा का जो फेस्टिवल होता है वो करेंगे आगे भी. हाँ, वही है हमारा मोटो. और थैंक यू. ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है.
है जो आकर खाबों बिछा दिया है, तना भी चकदा।